आज से बच्चों आपको जो है बेलन के विषय में पढ़ाया जाएगा। देखिए आगे, बेलन ऊपर डाल लें, बेलन। अब पहले देख ले बेलन का आकार, ठीक है, ऊपर डाल लगा दे हेडिंग बेलन। तो बेलन हमारा ऐसे बना होता है, ठीक है। इसके बीच में जो ये दिखाया जाता है, ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है डायमीटर, व्यास। इसको बोलते हैं व्यास, इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। और जो इसकी आधी दूरी होती है उसे बोलते हैं रेडियस। और जो भी हमारे सवाल लगते हैं उसमें हमेशा जो है रेडियस रखी जाती है, कभी भी व्यास नहीं रखा जाता है। अब जैसे अगर इसका व्यास 10 हो, तो अगर व्यास आपका 10 दिया जाए, मान लीजिए कितना दे दिया 10, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। इस तरीके से निकाल लिया जाता है। अब समझो इसमें जो है पहला सवाल दे दिया गया बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन का आयतन बराबर का पहले फार्मूला लगाए, फार्मूले सभी बच्चे याद कर लें। देखें इसमें लिखे बेलन का, इसमें ऊंचाई दी गई है, ठीक है, 10 सेमी की ऊंचाई है। लिखे बेलन का आयतन, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। ये जिन बच्चों को ना याद हो वो लिख ले, अपना याद कर ले। पाई आर स्क्वायर होता है आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर ये नहीं लर्न होगा तो ये क्वेश्चन नहीं है। और एक ही परसेंट है, नहीं आधार के क्षेत्रफल वाले एक आस क्वेश्चन जो तुम्हारा है पेपरों में पूछ लिया जाएगा। इसके पहले भी जितने भी हमने अग्रवाल अंसार से देखे हैं, 2-3 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बेलन के, तो वो ऐसे ही पूछे गए हैं, उसमें आधार का क्षेत्रफल ही पूछा गया है। तो देखे आगे कैसे क्या लगेगा। देखो तो पाई आर स्क्वायर का मान दिए गया है, क्वेश्चन में बता रहा आधार का क्षेत्रफल कितना है 154, तो यहाँ पे लिख दो 154, ठीक है। यस कितना दिया गया 10, अब इनकी गुणा कर लो 15 4 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, सेमी में है तो सेमी क्यूब हो जाएगा, आयतन जो है इसका हमेशा सेमी क्यूब। देखो 2 घाते इसकी, एक इसकी, तो कितनी हो जाएंगी 3, सेमी क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब ये दूसरा सवाल दिया गया है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया, वक्र पृष्ठ। क्या पूछा गया, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ को निकालने के लिए दे क्या दिया गया, आधार का क्षेत्रफल दिया गया है और ऊंचाई दी गई है, ठीक है। जब हमें वक्र पृष्ठ निकालना होगा, ठीक है, और अगर हमें त्रिज्या नहीं ज्ञात होगी तो ये नहीं लगेगा। कैसे ज्ञात करनी है ये देखो, त्रिज्या निकालनी होगी तो लिखोगे बेलन का आधार का क्षेत्रफल बराबर, बेलन का आधार का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल दिया गया है इसमें 81 पाई, रुक जाओ यहाँ पे लिखो पाई आर स्क्वायर, इतने तो होता है अभी बताया 81 पाई दिया गया है। ये रखो इधर, ये रख दो इधर पाई आर स्क्वायर, ये इसको काट दो, ठीक है। 81 का वर्ग गुण निकाल लो, 9 81 आर का स्क्वायर काट दो, आर बराबर 9 सेमी, ये क्या निकल आई त्रिज्या, ठीक है। अब लगाओ आगे इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ, तो लिखे बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर
बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πRh 2×22/7। आर कितना निकला है? 9। एच कितना है? 14। काट दो, 7 × 2 लिख गए हैं। यहाँ पे 14 लिख के काटना, हमने एच लिखा है, ठीक है। 7 × 2 14, 2 आया, गुणा कर लो, 22 × 2 44, 44 × 2 88, 88 और 9 की गुणा करो, ठीक है। 9×8 72, 9×8 72 87 89, ठीक है। इसमें क्या आएगा? सेमी स्क्वायर, क्योंकि आर और एच दो ही तो हुए, तो यहाँ पे लिखेंगे सेमी स्क्वायर आंसर, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ 110 सेमी तथा ऊंचाई 5 सेमी, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करना है? ध्यान दे सर बच्चे, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr, तो लिखें बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πr h। फार्मूला सभी बच्चों को लर्न हो, याद करें, कितना है? 110 सेमी दिया है वक्र पृष्ठ, 2 × 2 पाई का पाई, पाई का मान होता है 22/7। सभी बच्चे पाई का मान याद कर लें, पाई का मान होता है 22/7। और आर हमें पता नहीं, आर ही निकालना है। एच दिया गया है 5, ठीक है, 5 सेमी। देखो दिया गया ऊंचाई, ऊंचाई मतलब एच, एच का मतलब हाइट, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ऊंचाई कितनी है? 5 है और इधर 110 है। अब लगाओ, काटो भाई, 2 से काटो इसे, 2×5 10, 2×5 10, ठीक है। 5 से काटो, 5×5, 5×5, 5, ठीक है। फिर तो 11 से इधर काट दो, 11×11 नहीं, 5×2 सही काटा ना, 11×2 22, ठीक है। अब तो कुछ है नहीं है? अब ये 7 किधर चला जाएगा? इधर, तो लिख देंगे 7 = 2R, यही होगा। अब ध्यान दो, अब लिखो R इक्वल, तो कितना हो जाएगा? 7/2, ठीक है। अब अगर 7 का हम हाफ करेंगे कितना हो जाएगा? 3.5, नहीं आ रहा, करके देख लो, 2×3 = 6, 6 × 1 लगाओ 0.025, 10, ठीक है। काट दो, जितना आया लिख दो, आर इक्वल 3.5 सेमी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 समान ऊंचाई वाले लंबवर्तीय बेलन बेलनों के आधार की त्रिज्या है। 2 बेलन है, ऊंचाई उनकी समान है, ठीक है, त्रिज्याएं बदली हुई है। एक बेलन ये तुम्हारा है मान लो, ठीक है, दूसरा बेलन ये है, इनकी कह रहा ऊंचाई जितनी इनकी है दोनों की बराबर है, यच दोनों में समान है। एक की त्रिज्या दी गई है 2, एक की दी गई है 3, त्रिज्या एक में कम है एक में ज्यादा है, तो कह रहे हैं इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। तो लिखो बेलनों के आयतनों का अनुपात, यच जो है वो दोनों में इक्वल, वैसे लिख देना। अब लिखो, लिखो दोनों बेलनों के आयतनों का
का अनुपात बराबर, ये पहला बेलन, ये दूसरा बेलन, लिखो पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन बराबर दूसरे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान देना, त्रिज्या दो है, एक की तीन, बाकी सब समान है, ठीक। पाई का पाई लिख दो, आर कितनी लिखोगे, दो गुणे दो, या समान है ऐसे लिख दो। फिर लिखो पाई तीन गुणे तीन गुणे एच, पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, दो दुनी चार, चार अनुपात तीन। तो बेलन के जो आयतन का अनुपात होगा वो कितना होगा? चार, अरे नहीं, तीन तिया, यहाँ कितना लिखोगे? नौ, चार अनुपात तीन आएगा, कितना आएगा? चार अनुपात तीन। समझ में आया?